नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं भागवत संदेश, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो संदेश जिन्होंने 27 सितंबर 2022 को मेघालय के शिलांग में दिया, जहां उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया को लगता है कि हम अलग हैं इसलिए हम विभाजित हैं। भारत कहता है हम सभी अलग हैं, लेकिन हमें विभाजन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है जो बाकी दुनिया में नहीं है, भारत में है। ये सब अलग अलग हमारा दिखता है तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम डिफरेंट है इसलिए हम सेपरेट हैं, और भारत कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हम डिफरेंट है लेकिन सेपरेट होने की आवश्यकता नहीं है। एक होने के लिए सिमिलर होने की आवश्यकता नहीं है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी विशेषता है भारत की, पहले से रही है, परंपरा से। अलग अलग भूगोल, अलग अलग भाषा, अलग अलग पंथ संप्रदाय, अलग अलग खान पान रीति रिवाज, लेकिन हम सनातन काल से एक देश है। ऐसा रहते थे तब हम पीक ऑफ ग्लोरी पर थे, इसको भूल गए तब हम बिखर गए, फिर बाहर से आने वालों ने उसका लाभ लिया, हमको गुलाम बनाया, हम यहां के राजा थे, हम यहां पर स्लेव्स हो गए, हम अपने भूमि के मालिक थे, वो भूमि दूसरों की हो गई, उन्होंने हमको लूटा। अब हम स्वतंत्र हैं, हमको फिर से एक होना है और अपने देश को बड़ा बनाना है, अपने आप को बड़ा बनाना है। संघ इसके लिए काम करता है। ये अपना जो जोड़ने वाला है सूत्र, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे दुनिया कहती है, लेकिन हमारे यहां तो लोग कहते हैं कि ये डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी है। हमको डाइवर्सिटीज में यूनिटी खोजने की जरूरत नहीं, यूनिटी है ही, दिखती डाइवर्सिटी है, एक ही तत्व है जो अनेक बना है। दूसरा, दुनिया मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे भागती है, हमारे देश में मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी के साथ चलता है, विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो लाइफ। दूसरा एक्सट्रीम में नहीं है, विदाउट मटेरियलिज्म देयर इज नो लाइफ, ऐसा भी नहीं है। मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलनी चाहिए, ऐसा हमारा प्राचीन समय से चलता है। आप अपने जीवन में जो करो ये ध्यान में रखकर करो, मुझे अकेले को जीना नहीं है,